आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर गाजीपुर सेवराई से। गुरुवार की दोपहर 2 बजे एक चार पहिया वाहन जो कि तेज गति से भदौरा बस स्टैंड से गहमर की तरफ जा रहा था, वाहन की तेज गति देख जब बस स्टैंड पिकेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने का इशारा किया तो वह गाड़ी को बैक करके बाजार के रास्ते से देवल की तरफ भागने लगा। पुलिस ने गाड़ी का पीछा करते हुए हरिकेश मोड़ के पास से एक आरोपी सहित पकड़ लिया। गाड़ी की तेज रफ्तार देख हर कोई हैरत में पड़ गया। मौके से ड्राइवर भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गाड़ी के डिग्गी में भारी मात्रा में शराब थी जिसे बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पकड़ा गया युवक अपने को पटना बिहार का निवासी बता रहा था। गाड़ी को कब्जे में लेते हुए पुलिस उसे सेवराई चौकी पर ले आई जहां से कोतवाल विमल कुमार मिश्रा के निर्देश पर थाने ले जाया गया। पुलिस के पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम नीरज कुमार यादव पुत्र राजेंद्र प्रसाद यादव निवासी पटना बताया, जबकि गाड़ी से 11 पेटी शराब बरामद हुई है। इस बाबत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहार नंबर की एक वैगन आर कार से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसे संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से नसीम खान की रिपोर्ट।